अभी तक आईफोन खरीदने के लिए ग्राहकों को भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब भारतीयों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। इसमें आईफोन खरीदना अब काफी सस्ता हो जाएगा। दरअसल भारत में अब आईफोन का प्रोडक्शन शुरू होने जा रहा है और इसकी कमान संभाली है भारत की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा ने, जो जल्दी भारत में आईफोन तैयार करने के लिए नया प्रोडक्शन प्लांट खरीदने जा रहा है। इस डिसीजन से चीन को बड़ा झटका लगा है। ये डील सफल हो गई तो 2025 तक हर चार में से एक फोन में मेड इन इंडिया होगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। वेलकम टू स्मार्ट इन्फो। बता दें कि चीन में कोविड के बढ़ते मामलों और उसकी वजह से प्रतिबंध जारी है। इसकी वजह से एप्पल को कारोबारी लिहाज से नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि एप्पल कंपनी चीन से अपना कारोबार शिफ्ट करना चाहती है और चीनी सरकार की बढ़ती हस्तक्षेप के चलते कई कंपनियां चीन को बाय बाय कह चुकी हैं। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि एप्पल हर साल चीन से भारत करीब 370,000 यूनिट आईफोन का शिपमेंट करती है, जो कि साल 2022 में 570,000 यूनिट हो सकता है। साथ ही चीन के मुकाबले भारत में लेबर कॉस्ट कम है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एप्पल भारत में अपने प्रोडक्ट का निर्माण बढ़ाना चाहती है। बात करें साल 2025 तक 25% एप्पल प्रोडक्ट मेड इन इंडिया होगा। एनालिस्ट जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक यानी कि अगले करीब 25% आईफोन का निर्माण भारत में शुरू हो जाएगा। इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगले 3 साल में दुनिया में बिकने वाला हर चौथा एप्पल प्रोडक्ट मेड इन इंडिया होगा, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात होगी। बता दें कि इस साल के आखिरी तक मेड इन इंडिया एप्पल प्रोडक्ट की हिस्सेदारी करीब 5% हो सकती है। बता दें कि भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि एप्पल कंपनी अपनी प्रोडक्शन लाइन को चीन से भारत शिफ्ट करे। इसके लिए भारत सरकार और एप्पल टीम के साथ लगातार बातचीत चल रही है। आने वाला आईफोन 15 भी मेड इन इंडिया हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वो चेक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।